हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अपने घर पे ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, आज फिर काफ़ी स्पेशल वीडियो के साथ, क्योंकि दोस्तों आज मैं आया हूं वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, आई एम एट LPU जलंधर। पहले भी मैंने LPU की वीडियो बनाई हुई है मैंने, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया था आपको इस प्यारी सी यूनिवर्सिटी का। ये तो हम सभी को पता है कि ये 650 एकड़ की काफ़ी विशाल यूनिवर्सिटी है। मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया के, IIT, MET या कोई भी, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सबकी बाप है एरिया में। आज मैं आपको दिखाने लगा हूँ अपना स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई एम अ PhD स्कॉलर इन LPU एंड आई एम डूइंग माई PhD इन फिजिक्स। सो आज की पूरी वीडियो में आई विल शो यू माई स्कूल, माई फैकल्टी, माई रिसर्च लैब, वेयर आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट लाइक फुल डे फ्रॉम 9 to 5। आई एम वर्किंग इन दैट लैब एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों LPU अलग है सबसे और क्या मेरा स्कूल होगा 2030 में, क्या मैं देखता हूँ अपने स्कूल में, क्या फ्यूचर होने वाला है स्कूल का। आई विल शो यू इन दिस वीडियो। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपको अपने स्कूल का फिजिकल लुक बताऊं तो ये है ब्लॉक नंबर 28, द स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज एंड केमिकल इंजीनियरिंग। एंड अगर मैं यहाँ के सब्जेक्ट बताऊं कि इस स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, स्टैट एंड इवन केमिकल इंजीनियरिंग, जैसा इसका नाम है स्कूल का। और यहाँ पे हमारे पास 20 रिसर्च लैब्स हैं इस स्कूल के अंदर, जहाँ पे आपको जो क्लासरूम है, इन एवरी क्लासरूम देयर आर प्रोजेक्टर्स। टीचर्स की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स की बात करूँ, तो वी हैव 42 फैकल्टी मेंबर्स एंड ऑल आर PhD, मतलब सबके सब डॉक्टरेट हैं और इवन सम आर पोस्ट डॉक्टरेट। इंडिया में तो डॉक्टरेट से ऊपर डिग्री ही नहीं है, पर यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो पोस्ट डॉक्टरेट हैं। और एक खास बात बताऊँ दोस्तों, फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जितने भी ये टीचर्स हैं 42 के 42, ये सब इंडिया के अलग अलग पार्ट में से हैं, कोई नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सारे। और यहाँ पे एक टीचर तो हमारे ऐसे हैं डॉक्टर नवीन कुमार, जिनका नाम आया है टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। और इवन अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना यहाँ पे, तो वी हैव टोटल 600 to 700 स्टूडेंट इन दिस स्कूल। बच्चे भी यहाँ पे फुल ऑफ डाइवर्सिटी हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट तो हैं, अंडमान निकोबार भी इंक्लूडेड है, और इवन दुनिया के कई कई कोनों से बच्चे यहाँ पे आते हैं, मिडल ईस्ट हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, वहाँ की भी दूसरी कंट्रीज के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं। बिफोर गोइंग फर्दर मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, 600 बच्चे और 42 फैकल्टी मेंबर, दैट मीन्स जो रेशो आ रही है फैकल्टी टू स्टूडेंट की, वो आ रही है 15 की, मतलब 15 बच्चों पर एक टीचर अवेलेबल है यहाँ पे। नॉर्मली अगर मैं बात करूं कॉलेजेस के एंड यूनिवर्सिटीज के इंडिया में, तो एक एक क्लासरूम में 150-200, और अगर मैं ज़्यादा बोल रहा हूं तो कम से कम 50-70 बच्चे तो बैठते हैं इंडिया में नॉर्मली। तो आइए मैं आपको यहां की लैब्स भी दिखा देता हूं। तो यहां पे BSc के लिए अलग लैब है, MSc के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए केमिकल लैब अलग है, और यहाँ पे रिसर्च के लिए भी अलग लैब है। मतलब 20 लैब्स हैं टोटल हमारे स्कूल में, जिसमें से मेरी लैब है ये वाली, जहाँ पे मैं पूरा दिन रहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सारे तरह के डिवाइसेज हैं, मफल फर्नेस हो गया, हॉट एयर ओवन हो गया, ये तो खैर नॉर्मल चीज़ें हैं, मैग्नेटिक स्टिरर हो गया। तो यहाँ पे बच्चे पूरा टाइम वर्क करते हैं और पूरा यहाँ पे पर्सनल, मतलब हमें प्राइवेट थोड़ा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है यहाँ पे। बट अब बात करते हैं कुछ ऐसी मशीनरी की, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में तो किसी यूनिवर्सिटी के पास वो अवेलेबल नहीं है, जो सिर्फ LPU के पास अवेलेबल है। ये FESM है, फील्ड मिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इसकी हेल्प से हम किसी भी चीज़ की सरफेस मॉर्फोलॉजी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास एक मटेरियल साइंसेस का एक सैंपल है, जैसे जैसे मैग्निफिकेशन बढ़ाते जाएंगे इसकी जो सरफेस है वो हमें और क्लियर होती जाएगी कि किस टाइप की इसकी सरफेस है। अभी मैग्निफिकेशन 6000 हो गई है, तो 6000 पे हम इसको क्लियर करके देखेंगे। तो बेसिकली मैम ये काफी एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है इसका, है ना? हाँ जी, एडवांस। और नॉर्मली ये काफी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, नहीं होता है ये हमारे पास, ये क्योंकि ये कॉस्ट भी बढ़ता है। ओके। और प्लस मॉडल पे डिपेंड करता है, हमारे पास जो मॉडल है वो JSM ये वाला है। मैंने ये भी सुना कि यहाँ के भी कॉलेजेस के आसपास के लोग यहीं से आके सैंपल टेस्टिंग करवाते हैं, है ना? और हमारे पास अभी तो फॉरेन से भी सैंपल आ रहे हैं, मॉरिशियस वगैरह से भी। ओके। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अदर
स्टेट्स की है, अदर स्टेट से भी काफ़ी सैंपल्स आते हैं। ओके मैम। और पास पास के तो पंजाब के तो आएंगे। अगर ईडीएक्स है, ये ईडीएक्स क्या करता है, इसी वाले मटेरियल के हमें एलिमेंट्स बताएगा, सरफेस हम यहाँ से देखेंगे, ये हमें बता देगा कि इसमें हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। वो भी यही वाला इंस्ट्रूमेंट काम करता है? हाँ जी। अच्छा। हमारे पास यहाँ पे ना डिटेक्टर्स रहते हैं। ओके। जैसे मैम आप और बता सकते हो यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं सोफिस्टिकेटेड, लाइक एक ये हो गया FESM। सर हमारे पास XRD है, वो इधर से आप जाएंगे सीधा तो नेक्स्ट लेयर में आपको मिलेगा। और उसके बाद हमारे पास फ्लोरोसेंस है, FTIR है, TGA एंड DSC है, TGA है, HPLC है एंड इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क स्टेशन। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने आपको काफ़ी सोफिस्टिकेटेड मटेरियल दिखाया। नॉर्मली यहाँ पे आना अलाउड नहीं होता, बट क्योंकि मैं खुद एक PhD स्कॉलर हूँ तो मुझे अलाउ कर दिया उन्होंने यहाँ पे आने के लिए। मैम ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया यहाँ पे, आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्या मशीनरी है। जो डिटर्मिनेशन जो एक होता है ना, वो पुश मिलता है बच्चे को, लाइक आई एम डूइंग माई रिसर्च, एंड रिसर्च में सबसे मुश्किल काम होता है थीसिस को चूज करना। वो मशीनरी देख के ना मन में एक डिटर्मिनेशन लेवल आ जाता है कि मेरी यूनिवर्सिटी में सारा कुछ तो है, कमी किस बात की है, सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, तो रिसर्च क्यों नहीं होगी अच्छी। यही रीज़न है कि मैंने LP को चूज़ करा अपनी रिसर्च के लिए। और यही चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ कि 2030 में मेरा स्कूल कहाँ होगा। इन 2030 अगर आज मेरे स्कूल का एक फैकल्टी मेंबर 2% में आ रहा है, टॉप 2% में, आई एम श्योर कि कल को 2030 में 42 फैकल्टी मेंबर्स दुनिया में टॉप पे होंगे। और मैं खुद LPU से रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ खास करके जाऊँगा यहाँ पे। और अगर आज हम इतने एडवांस हैं, हमारे पास सारी मशीनरी है, तो जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पूरे वर्ल्ड में आई है ड्यू टू कोविड, क्योंकि सेमीकंडक्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है, प्रोसेसर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो अगर आज LPU इतना एडवांस है, तो एक दिन वो भी आएगा कि जब LPU में फैब्रिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जब 5 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर के छोटे छोटे प्रोसेसर LPU के अंदर, ऐसा एनवायरनमेंट होगा, ऐसी लैब्स होंगी हाईटेक कि हम यहाँ पे बना पाएंगे, तो वो दिन भी दूर नहीं है 2030 में, मेरा स्कूल वहाँ टॉप पे होगा। एंड इन दी एंड गायस, आप सभी के मन में क्वेश्चन चल रहा है ना कि प्लेसमेंट कितनी होगी यहाँ पे, तो प्लेसमेंट के एवरेज पैकेज जो है वो 6 लाख है, 5 to 6 लाख, और बच्चों की लगने वालों की 15 लाख 18 लाख तो लगी रही है, और कम से कम 3 लाख है यहाँ पे, 3 लाख पर एनम का। और आने वाले टाइम में Fortune 500 कंपनीज में प्लेसमेंट होगी यहाँ पे, ऑलरेडी हो रही है, आगे हर बच्चे की ऐसी अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट होगी, जैसे टॉप MNCs ऑफ द वर्ल्ड, फिर चाहे वो गूगल हो, एप्पल हो, या कोई भी ब्रांड हो, ठीक है। एंड जो बच्चे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रांट लेके आ रहे हैं, जो टीचर्स है, फैकल्टी है, रिसर्च जो होती है, अभी तो हमें नेशनल ग्रांट मिल रहे हैं, DRDO गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें ग्रांट दे रही है यहाँ पे काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। इवन LPU इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग 60,000 टू ईच PhD स्कॉलर टू कंप्लीट देयर वर्क। लाइक अगर मुझे कोई केमिकल चाहिए, मेरा कोई खर्चा हो रहा है, ट्रैवलिंग है, तो उसके लिए पैसा मुझे LPU दे रहा है। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं दोस्तों। और इंटरनेशनल, अभी नेशनल ग्रांट आ रही है ना, आने वाले टाइम में इंटरनेशनल ग्रांट आने लग जाएगी। अभी एक सर है हमारे यहाँ पे जो इंटरनेशनल ग्रांट लेके आए हैं, मतलब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से अराउंड 70 to 80 लाख रुपीस के ग्रांट आई है यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात होती है कि बाहर से, इंडिया के बाहर से, फॉरेन में से पैसा इंडिया में आए, तो ये भी तो देश का नाम रोशन करने वाली बात है ना। सो इन दी एंड दोस्तों, मैं वीडियो को ये कह के ख़त्म करूँगा कि 2030 तक, जिसमें अभी 7 ईयर्स है, मैं अपने स्कूल को टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे देखता हूँ, लाइक टॉप 5 के अंदर मेरा स्कूल आएगा, LPU टॉप की यूनिवर्सिटी होगी, एंड LPU की वजह से देश का नाम रोशन होगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, टाटा, बाय बाय एंड जय हिंद।